प्रत्याशी घोषित होने के पश्चात सांसद पहली बार मंगलवार को मुंगेर पहुंचे। इस दौरान सांसद ने कहा कि का बिगुल बज चुका है, युद्ध का आगाज हो चुका है, युद्ध का लक्ष्य भी निर्धारित है। ऐसे नेतागण आप इस सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सम्मानित साथी हैं। सबसे पहले तो आज के इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पहली बैठक में आप सभी कार्यकर्ता साथी जो यहां आए हैं उनका हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात है कि 2024 के संघर्ष का बिगुल बन गया है, जल्दी कीजिए ना, युद्ध का आगाज हो गया, और जब युद्ध का आगाज हो गया है और जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध का लक्ष्य भी निर्धारित हो गया है तो बहुत ज्यादा बैठक उठक का कोई मतलब है नहीं। मतलब है मैदान में खुद जाने का और युद्ध में विजय प्राप्त करने का। तीर का निशाना कहा? मछली के आंख पर रहता है ना, तो मछली के आंख पर तीर का निशाना लगाइए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, आपकी बार 400 पार और बिहार में 39 था तो 39 पार 40 पूरा करना है, इतने लक्ष्य है। 400 सीट अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का लक्ष्य निर्धारित किया है तो बिहार का कितना हिस्सा हुआ, कितना हिस्सा हुआ? 1/10, 400 का 10वां हिस्सा। आपको मालूम है कि बिहार कितना बड़ा योगदान करने जा रहा है? 400 के लक्ष्य में 10वां हिस्सा अकेले आपको तय करना है, आपको तय करना है। और अगर आपको तय करना है तो नजर मछली के तीर पर होना चाहिए। आप बाएं दाएं देखने का जरूरत नहीं है, यह चुनाव न जनता दल यू का है, न भारतीय जनता पार्टी का है, न लोक जनशक्ति पार्टी का है। यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है और उस लक्ष्य पर लेके चलिए। इधर उधर मत देखिएगा, बहुत लोगों को हम आदत देते हैं चुनाव तो बाएं दाहिने नहीं करना है, भात होता है और का जग जग होता है तो उस जग में क्या होता है, उस जग में होता है कोई दिक्कत होता है व्यवस्था में, अरे यार हट जाओ सामने से, बड़ा डिस्टर्ब कर रहे होता है तो कोई दिक्कत परेशानी होती है। तो बड़े जग में दिक्कत परेशानी को नजरअंदाज करके लक्ष्य की तरफ बढ़ने की जरूरत है और आपस में समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। ये कभी मत समझिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का क्या मतलब हुआ, गठबंधन का क्या मतलब हुआ। जब आप कहेगा कि जदयू के हैं, जदयू वाले कहेंगे कि भाजपा के हैं, भाजपा वाले कहेंगे कि लोजपा के हैं, तो गठबंधन क्या हुआ? गठबंधन का मतलब ये है एक परिवार है और एक परिवार के सभी सदस्य, ये गठबंधन का मतलब होता है। तो इस गठबंधन के धर्म के साथ, इस गठबंधन के धर्म के साथ हम लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना। अब बाकी विरोधी का क्या मतलब है?